नमस्कार। आज मैं मैदा और सूजी से हलवा बनाऊंगी। तो बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पे आधा कटोरी रवा है सूजी, और आधा कटोरी मैदा है। दोनों इक्वल है, मैदा और सूजी। और चीनी है, तो चीनी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और इसी कटोरी से एक कटोरी घी लेना है, और इसी कटोरी से चार कटोरी पानी गर्म करना है। तो चलिए अब बनाने चलते हैं। ये देखिए, एक कढ़ाई रख ली हूँ। एक कटोरी में का घी मैं पहले आधा इसमें डाल लूँगी। ऐसे धीमे आंच में इसको भूनना है। और एक तरफ मैं पानी रख दी हूँ गर्म होने के लिए, चार कटोरी। अब इसमें मैदा डाल देती हूँ। और साथ में ही ये सूजी को भी डाल देते हैं। इसको धीमे आंच में इसको 10 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए, 5 मिनट इसको भूनते हुए हो गया है। अब इसमें जो आधा कटोरी इसमें घी बचाई थी उसको भी डाल लेते हैं। ऐसे 5 मिनट और भूनते हैं। ये देखिए, 10 मिनट हो गया भूनते हुए। और अभी ये जो गर्म पानी है इसको इसमें मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, चार कटोरी पानी इसमें मैं पूरा डाल दी थी, और ये पूरा पानी सोख भी कर लिया है। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और चीनी मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा, ये देखिए, मैं एक चुटकी फूड कलर ली हूँ, खाने वाला कलर है ये। तो इसको पानी में मिक्स करके इसको घोल बना के इसको डालते हैं। ये देखिए, कलर को मिक्स कर लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, और ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल दूंगी। ये देखिए, हलवा बन के तैयार हो गया है। अब गैस बंद कर दे रही हूँ, और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैदा और सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो बनाने में बहुत जल्दी बनता है, और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा इसको घर पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट हमें जरूर दें। धन्यवाद।